आई एम डॉक्टर पी के तलवार बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन एंड आई एम प्रैक्टिसिंग कॉस्मेटिक सर्जरी फॉर मोर देन थर्टी ईयर्स इन न्यू दिल्ली आई वॉज प्रीवियसली अटैच टू अपोलो एंड मैक्स हॉस्पिटल्स एंड नाउ आई एम डूइंग माई ओन प्राइवेट प्रैक्टिस एट कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो गायनोकोमेस्टिया के बारे में है गायनोकोमेस्टिया होता क्या है इसके जो कारण क्या क्या हैं और हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं और चौथा है कि भाई इसमें कॉस्ट कितनी लगती है तो कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूं तो सबसे पहले होता क्या है देखिए गायनिक का क्या मतलब हुआ? का मतलब हुआ हुआ गायनिक का स्त्रियों से रिलेटेड है महिला एंड मेस्टिया इज ब्रेस्ट तो जब आपकी ब्रेस्ट स्त्रियों के जैसे हो जाती है तो उसको गायनिकोमेस्टिया बोलते हैं ये तो हो गई एक बात अब दूसरी बात यह है कि ये होता क्यों है देखिए ऐसा हमारे और आपके दोनों के शरीर में चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं उसमें मेल हार्मोन्स भी होते हैं और फीमेल हार्मोन्स भी होते हैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे शरीर में मेल हार्मोन्स भी हैं और फीमेल हार्मोन्स भी हैं लेकिन चूंकि मैं पुरुष हूं और नॉर्मल पुरुष हूँ तो मेरे में, में मेल हार्मोन ज़्यादा प्रीडोमिनेट हैं लेडीज में फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा प्रीडोमिनेट होते हैं लेकिन अगर किसी कारण से इन हारमोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है तो आप में उस कुछ स्त्रियों के कुछ गुण आ सकते हैं या कुछ चीज़ें जो स्त्रियों में होती हैं वो आ सकती हैं जैसे पतली हो जाए या ब्रेस्ट हैं आपके बढ़ जाएँ तो उसमें ऐसे केसेस में जो होता है हार्मोनल इम्बेलेंस सबसे बड़ा कारण होता है अब जैसे कि अगर आप देखेंगे बच्चा होता है जो छोटा पैदा होता है तो उसके जो निपल्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं अगर बच्चा मेल है और लेकिन वो क्यों होता है क्योंकि जो उसकी माँ के जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं जो इस्ट्रोजन होते हैं वो उसके ब्लड के साथ उसके बॉडी में आ जाते हैं लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है दो तीन हफ्ते में आप देखते हैं कि उसके ब्लड नॉर्मल हो जाते हैं दूसरा परिवर्तन कब आता है जब बच्चा जो लड़का होता है एडोलिस होता है चौदह पंद्रह साल की उम्र में जब प्यूबर्टी आती है तब उसमें फिर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस समय भी ये संभावना रहती है कि अगर उसको गाइनोकोमेस्टिया उसको हो सकता है और तीसरा होता है एडल्ट एज एडल्ट एज, एडल्ट एज में जब फिफ्टी प्लस हो जाता है बंदा या जिसको कभी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम या कुछ दूसरी प्रॉब्लम है मेडिकेशन ले रहे हैं हाई ब्लड इसके हार्ट डिजीज की तो उनमें भी ये चेंजेस आ सकते हैं तो ये कुछ कुछ उम्र के जो होते हैं पड़ाव होते हैं जैसे कि मैंने कहा आपको बताया पैदा होते हैं बच्चे का एडोलेसेंस जो है प्यूवर्टी है और मिडिल एज में इसमें ये पर चूँकि हारमोना इम्बेलेंस होता है इसलिए उसमें भी कुछ पड़ाव में ये चेंजेस आ सकते हैं तो ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं नशा करते हैं उनमें भी हारमोन्स की समस्या आ सकती है और उनकी बढ़ बढ़ सकती है आप देखते हो जिम में कई लोग जाते हैं अब पता नहीं किस किस तरह के हारमोन्स लेते हैं वो चाहते होते हैं आप उनकी बॉडी है वो अच्छी बने लेकिन उसमें जाने किस तरह के हारमोन्स लेते हैं जिससे कि आपके हारमोन्स का संतुलन बिगड़ भी सकता है वो भी एक कारण बताया गया है इसके अलावा कुछ एंटी एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनका साइड इफेक्ट होता है जिसमें हारमोना इंबैलेंस हो सकता है नशा आप ना करें किसी को किडनी प्रॉब्लम है लिवर प्रॉब्लम है या कोई कैंसर दवाइया ले रहा है तो उनमें भी हार्मोन में कुछ असंतुलन आ जाता है जिसके कारण उनमें गायनोकेमिस्ट्रिया हो सकता है लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है पहले एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास हम भेजते हैं मरीज को और वो सारे चेकअप कर लेते हैं और अगर उसमें सब कुछ नॉर्मल है तो फिर हम उसको बोलते हैं ईडियोपैथिक जो है आपको गायनोकेमिस्ट्रिया हुआ है और उसको हम जो है सर्जरी के तौर पर इसके लिए ठीक करते हैं तीसरा अब जो हम जिस प्रॉब्लम पे आ रहे हैं वो है कि भाई इसको हम कैसे ठीक करते हैं कई जगह विज्ञापन देखते हैं कि आप हमारी ये दवाई ले लीजिए वो दवाई ले लीजिए हम आपको नॉन सर्जिकल गाइनोकोमेस्टर ठीक करा देंगे तो ये बिल्कुल गलत है ऐसा कोई इलाज नहीं है आप अपना पैसा खर्च करेंगे वहाँ हमारे पास कई बच्चे आते हैं अठारह उन्नीस साल के साहब हमने इतना पैसा खर्च कर दिया यहाँ गए वहाँ गए कुछ नहीं हुआ अब आप हमारे डिस्काउंट कर दो तो ये इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए आप किसी योग्य चिकित्सक के पास जाइए किसी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास जाइए और उससे आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए और उसका आप इलाज कराइए आप अगर इन इन चीज़ों में पढ़ेंगे कि नॉन सर्जिकल कोई भी होम्योपैथी है आयुर्वेदिक है या एक्सरसाइज ये लोग दूसरे जिम वाले करा देंगे तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा तो ये हो गई एक बात अब ऑपरेशन हम कैसे करेंगे उसमें क्या क्या इलाज होगा तो इसमें जो गायनिकों में होता है इसके कुछ ग्रेड्स होते हैं ग्रेड्स का मतलब कहता है माइल्ड मॉडरेट सीवियर या आप ये क्या हुआ माइल्ड हुआ कि बहुत ही मामूली सा अगर आप देखेंगे जरा सी गांठ सी बनी तो है तो माइल्ड है सीवियर में मतलब बिल्कुल स्त्रियों की तरह आपके स्तन हो गए हैं बड़े बड़े हो गए हैं तो सीवियर है और मॉडरेट आप बोलेंगे बीच की स्वस्था है अगर आपके आपके हिसाब से मैं समझाना चाहूँ मेडिकली हम उसको ग्रेड वन टू थ्री फोर भी बोल सकते हैं बट दैट डजन मैटर मच फॉर यू तो बेसिक नॉलेज में आप सोचिए माइल्ड मॉडरेट सीवियर होते हैं अब अगर हमें सर्जरी करनी है इसकी तो हम चूंकि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि सर्जरी से ही जाएगा तो सर्जरी कैसे कैसे करेंगे या तो हम लोकल एन कर सकते हैं या जनरल एन कर सकते हैं जो बिल्कुल माइल्ड है जो ज़रा सी गांठ है जो ब्रेस्ट जरा सी बड़ी हुई है उसमें तो हम लोकल एन एसा दे कर देते हैं वो आप आधे पैंतालीस मिनट का काम होता है उसको आप कराइए और चले जाइएगा लेकिन जो इससे बड़े होते हैं मॉडरेट टू सीवियर उसमें आइडियली ये है कि हम आपको बेहोश करके करें बेहोश करके करेंगे तो सुबह से शाम तक आपको एडमिट रखा जाएगा और उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और जो पोस्ट ऑपरेटिव सा, जो सावधानियां बरतनी पड़ती हैं वो हम आपको बता देते हैं तो उस तरह से उसमें आप चूँकि बेहोश कर रहे हैं इसलिए आपको हॉस्पिटलाइज़ भी करते हैं हम बारह घंटे तक करते हैं यूजली मॉर्निंग टू इवनिंग डे केयर होता है उसमें हम उसको भेज देते हैं तो ये तो हो गया आपका ट्रीटमेंट हम कैसे करना सर्जरी अब सर्जिकल स्टेप्स जो है वो मैं आपको आपसे एक अलग वीडियो है उसमें आपको दिखाऊंगा सर्जिकल स्टेप्स क्या होते हैं वो मैं बहुत जल्दी आ, 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 करने वाला हूँ अपलोड करने वाला हूँ अच्छा चौथी चो, जो समस्या उसकी जो मैं आपसे बात करना था प्राइस की लोग फ़ोन आते हैं कि साहब फलाना डॉक्टर इतने में कर रहा है आप कितने में करेंगे आप हमें अच्छी डील दीजिए तो देखिए आप लोग एक चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझ लीजिए कि आप अपने स्वास्थ्य से अपने जीवन से कोई समझौता ना करें क्वालिटी जो है इट डजेंट कम चीप अगर आप किसी मैंने जैसे अपना बताया कि मैं तीस साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं पहले अपोलो में था मैक्स हॉस्पिटल में था अब अपना डायरेक्टर अपना कॉस्म सेंटर चला रहा हूँ तो अगर आप मेरे को कंपेयर करेंगे जी कोई नया नया लड़का आया है या कोई डेंटिस्ट मुझे इतने का ऑफर कर रहा है तो मैं उस उस लेवल पे मैं नहीं जा सकता हूँ या कोई भी अच्छा प्लास्टिक सर्जन नहीं जाना चाहेगा जो भी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में तो आप अपने सेहत के लिए दस बीस हज़ार पंद्रह हज़ार बचाने के चक्कर में आप अपने सेहत से न खेलें क्योंकि इसके कई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं सर्जरी को आप कभी लाइटली ना लें अत ऐसे कोई खतरे वाली बात नहीं है लेकिन आपको अगर आपने अच्छा सर्जन नहीं ढूंढा तो आप ना केवल यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है आपको ऐसे स्कार पड़ सकते हैं जो बाद में शायद ठीक ना हो पाएं तो इस चीज इस का आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है दूसरी चीज होती है कि डॉक्टर कर कहां रहा है कहीं वो अपनी क्लिनिक में तो लटा के नहीं कर रहा है वो कर रहा है तो बड़े सस्ता कर देगा लेकिन अगर हम किसी हॉस्पिटल में कर रहे हैं जहाँ पे पूरी साफ सफाई है पूरा ऑपरेशन थिएटर है आई बैकअप है तो वहां पर आपको डेफिनेटली थोड़ा महंगा पड़ेगा तो ये चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं आप तो सिर्फ फोन पर यह पूछते हैं डॉक्टर साहब कितना लेंगे लेकिन इस तरह से काम नहीं चलता है आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी तीसरा और एक चीज़ है जो आपको क्वालिफिकेशन ऑफ डॉक्टर देखनी पड़ेगी अब मैं अगर आपको आज बताऊं तो ज़्यादातर जो हैं आजकल डेंटिस्ट आयुर्वेदिक सर्जन होम्योपैथी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होम्योपैथी डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट जनरल सर्जन ये लोग कर रहे हैं कॉस्मेटिक सर्जरी और बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं एज ए कॉस्मेटिक सर्जन तो अगर आप इनके चक्कर में फंस गए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है न केवल स्कार के, के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होती है उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है इस तरह की तो आपको स्कार भी पड़ सकता है आपके प्राणों पे के लिए भी घातक हो सकता है ऐसे लोगों से कराना तो ये कि आप चीज़ जरूर देखिए कि वो आदमी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन है कि नहीं बोर्ड सर्टिफाइड है कि नहीं पहली बात उसका एक्सपीरियंस कितना ये आपको जरूर देखना है वो कहाँ ऑपरेट करेगा ये आपको देखना है और उसकी अपने पेशेंट्स में या जो बाकी डॉक्टर्स हैं प्लास्टर उसमें उसकी क्या रेपुटेशन है आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे और आप तो आप थोड़ा आपको जरूर महंगा लगेगा हल्के लेकिन लॉन्ग रन में आप कहेंगे देखेंगे कि वो आपको ज्यादा फायदेमंद हुआ ये तो वैसे ही है जैसे कि आपने चाइनीज माल लिया या अमेरिकन माल लिया चाइनीज़ चीज़ आपके सुबह से शाम तक चलेगी पता ही चलता है और जो अमेरिकन माल या जैपनीज़ माल लेंगे तो आपको उसकी क्वालिटी का पता चलता है तो किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास जाइए जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो अच्छा एक्सपीरियंस हो और उससे आप अपनी सर्जरी कराइए और मुझे उम्मीद है अगर आप इन जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको फॉलो करेंगे तो आप वाकई में खुश होंगे और आपका जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली और बड़े अच्छे तरह से सॉल्व हो जाएगी थैंक यू वेरी मच